हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ जोविस का सन गार्ड 3-in-1 मैट लोशन, जो पैराबिन फ्री है और इसमें SPF 60 PA++ है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का SPF है। अच्छा, ये UVA और UVB से प्रोटेक्ट करता है, ये स्किन को एवन टोन करता है एंड ये स्किन को का जो मॉइस्चराइजर है उसको भी बैलेंस करता है। अच्छा, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, जो कि सब चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और इसका जो नेट वॉल्यूम है, ये 100 ml का प्रोडक्ट है, जिसकी जो MRP है 335 rupees है। बट आपको मैं लिंक विंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। ओके, इसकी सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो जो मेरे हाथ में जो पैक है वो है मार्च 2021 का, मैन्युफैक्चरर है, एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है ये 36 मंथ का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो, बट इतना टाइम ये चलता नहीं है। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें हर दिन के पर्पज़ के लिए चाहिए ही चाहिए, हर दिन इसको यूज़ करना है। और डिपेंड करता है आप कितना टाइम बाहर रहते हो, तो कभी कभी एक बार, कभी दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन में 3 साल तक रखने का कोई बात ही नहीं है। ओके, अब इसमें बात करते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो इसमें है आर्गन ऑयल, ग्रीन टी, पिच पिच एक्स्ट कुछ है, कैलामाइन है, कैलेंडुला है, ओट ब्रैन एक्सट्रैक्ट है, कैरेट एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड्स ऑयल है, लिकोरिश है और सैंडल एक्सट्रैक्ट है, और माइक्रोनाइज टाइटेनियम डाइऑक्सीडाइज ऐश ऑफ जिनकम भी है। तो ये सब काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ है इसमें जो कि एक सनस्क्रीन के लिए होना चाहिए। अच्छा, इस सनस्क्रीन को आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मैंने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया है। तो जी हाँ, पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर से ही मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा सेकेंड पैक है। सच बोलूँ तो मैं सनस्क्रीन बहुत लगाती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद ऑटोमेटिक चेहरे पर ग्लो आता है, तो फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चेहरे पर सनस्क्रीन की वजह से ग्लो आ जाता है। इसमें कोई फाउंडेशन का टिंट नहीं है, ये वाइटिश वाइट कलर का है, तो टिंट विंट कुछ नहीं है। और अप्लाई करने में काफ़ी अच्छा है और स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी आपके लिए परफेक्ट है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी परफेक्ट है। जस्ट मेरी मानो तो अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, तो इसको अप्लाई करने के बाद जस्ट कॉम्पैक्ट से हल्का हल्का सेट कर लेना, बस आपका जो स्किन है एकदम मैटी लुक हो जाएगा। वैसे ये मैट लुक देता है, लेकिन जिसके लिए बहुत ज़्यादा, जिनको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए थोड़ा सा मैं ये टिप्स दे रही हूँ। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो प्राइस है 335 rupees है, बट आपको मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, आपको थोड़े से सस्ते में मिल जाएंगे, अच्छे रेट में मिल जाएंगे, सस्ता के बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छा अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल एंड एक अच्छा सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो सनस्क्रीन और भी ब्रांड के बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्राइजी भी है, लो रेंज के भी हैं, और मैंने बहुत सारा यूज़ किया है, लेकिन जो भी इसका ये वाला सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद आया, तभी तो मेरा सेकेंड पैक है। वैसे हम ब्लॉगर्स को हमेशा नई नई चीज़ें यूज़ करते रहने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू होता है शेयर करना होता है। ओवरऑल मुझे ये सनस्क्रीन बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।